नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जी हां, बता दें ऐसे में परसवाड़ा जनपद के ग्राम कुरेंडा के ग्रामीणों ने अधूरे सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण में बढ़ती गई धांधली एवं अनियमितता किए जाने से आक्रोशित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर पोस्टर लगाकर सांकेतिक रूप से चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। जी हां, ग्रामीणों ने बताया कि बीते 8-9 माह से ग्राम कुरेंडा में तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से नाली और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नाली निर्माण में अनियमितता बढ़ती गई, वहीं अब तक यहां के सड़क का निर्माण भी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, जबकि 8-9 माह पूर्व अक्टूबर नवंबर में नाली और सड़क निर्माण के लिए आवंटित राशि का आहरण कर लिया गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले रोड फिर वोट देने की बात कहकर अपना विरोध ग्राम पंचायत कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? इसलिए आए हैं कि जब तक हमको पैसे नहीं देंगे और काम नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। कौन सा काम? रोड का। कौन सी सड़क का? तो वहाँ आपने काम किए हैं? अभी भी बीच में किए हैं। अच्छा, तो अभी तक पैसा नहीं मिला है? कौन काम करवा रहा था? ग्राम पंचायत। निर्माण कार्य तो हुआ है, उसके कारण बीच में चालू किए थे लेकिन कुछ समस्या आने की वजह से कार्य बंद हो गया है। लेबर की समस्या थी और फिलहाल अभी भुगतान में BSC बंद हो चुकी है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। कम से कम लगभग 9 महीने से काम बनने वाला है, 9 महीने अगर रोड बनते हुए। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पूर्व सचिव ही बता रहे हैं। जो अभी चुनाव बहिष्कार जो कर रहे हैं लोग, इसका निराकरण कैसे करेंगे आपके द्वारा? नहीं, काम करवाएंगे एक सप्ताह के अंदर। ग्रामीणों का कहना है कि राशि जो है वह पूरी आहरित कर ली गई है, उसके बाद भी 8 महीने बाद भी जो है निर्माण नहीं हुआ है पूरा। मेरे यहाँ पदभार ग्रहण करने के पश्चात मात्र 2 लाख रुपए बिखरा हुआ है, इसके पूर्व की जानकारी तो पूर्व सचिव दे पाए। लगभग कितने का निर्माण था? ये लगभग 5 लाख का है। साढ़े तीन साढ़े चार मनरेगा जोड़ के टोटल